अति मानवीयता की बात की गई है, तो उसमें मानवीयता एक प्रमुख मुद्दा है, जो जिसमें कि मानव पद जिसको हम कहते हैं कि वहां पर समाधान संपन्न होना, अनुभव संपन्न होना, उस पद को पाना, क्रियापूर्ण होना, उसकी चर्चा इसमें की जा रही है, जिससे कि हमारी एक डिग्री प्राप्त हो, जिससे कि अगली डिग्री के लिए हम प्रेरणा हमारे में बने। तो इसके लिए जैसे अस्तित्व में तीन ही पद हैं, मानव पद है, देव मानव पद है और दिव्य मानव पद है, तो मानव पद को ही मानवीयता बोलते हैं, देव मानव दिव्य मानव के पद को अति मानवीयता की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो अध्याय है इसमें मानवीयता के बारे में चर्चा है, तो इसमें शुरू करते हैं। मानव के लिए मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता ही एकमात्र सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए आधार है। सुख हर स्तर का लक्ष्य है, अर्थात सुख अमानवीयता, मानवीयता तथा अतिमानवीयता का भी लक्ष्य है। अगर हम अमानवीय स्तर पर भी जी रहे हैं, अमानवीय चेतना में भी जी रहे हैं, तो भी लक्ष्य तो हमारा सुख ही है। तो सुख हर स्तर का लक्ष्य है, चाहे वो अमानवीयता का स्तर हो, चाहे मानवीयता का स्तर हो या अतिमानवीयता का स्तर हो, बस सुख को हम बढ़ाना ही चाहते हैं। अमानवीयता में सुख को बढ़ाना चाहते हैं, सुख को बढ़ाने का तरीका नहीं पता है, तो हमें लगता है सुविधा से आएगा, तो हम अति भोग बहुभोग में जाते हैं। आगे चल के जब निरंतरता का पता चल जाता है, समाधान संपन्न हो जाते हैं, तो सुख बना ही रहता है, सुख बना ही रहता है, उसी सुख को सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में हम पहचान पाते हैं। भ्रमवश मानव ने लाभ द्वारा सुखी होने की कामना की है, ऐसा तो किया ही है, भ्रम है ही है, जितना लाभ जितना संग्रह करेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। भाव से समाधान, समाधान से सदुपयोग, सदुपयोग से अधिकार, अधिकार से व्यवस्था, व्यवस्था से समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व से भाव होता है। तो ये जो मानव लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, इसकी बात है कि भाव है, भाव से समाधान होता है, और भाव का मतलब यह है कि जो बोध पूर्वक हमें जो उपलब्धियां हुई हैं वो मेरे में स्थिर होती हैं, वही समाधान है, वही समाधान की स्थिति है, उससे ही सदुपयोग हो पाता है, अन्यथा हम दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग से ही हमें अधिकार बनता है, अधिकार से एक व्यवस्था बनती है, व्यवस्था से समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व के लक्ष्य को सभी प्राप्त कर सकते हैं, और समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व के से ही भाव होता है। तो अध्ययन क्रम में, समझने के क्रम में, जिसको प्रत्यावर्तन क्रिया कहा है, उसमें समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व से भाव का स्थिर होना, फिर उसको प्रमाणित करना, फिर उस भाव को अपने में पहचान पाना और सुख की स्थिति में बने रहना। शोषण पूर्वक प्राप्त आय से एक से अनेक तक सुखी नहीं है, इसमें दुखी ही होगा, क्योंकि शोषण का मतलब ही है किसी को दुख पहुंचा करके हमने कुछ भी प्राप्त किया है, तो वो शोषण है, और ऐसे शोषण का जो है विरोध होता है, विरोध से द्रोह, विद्रोह, संघर्ष, ये कहां तक जाता है, ये अशांति तक जाता है, अर्थात इसमें सुख की तो कोई भी संभावना नहीं है। शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की अनुवर्ती क्रिया समान होती है, जो शोषक है उसके अंदर कोई भाव प्रवाहित ही नहीं होता, वो शुष्क हो जाता है, बिना शुष्क हुए शोषण हो ही नहीं सकता। मैं भाव के साथ हूं, मैं मूल्यों के साथ हूं, मैं मूल्य का निर्वाह करता हूं, तो मुझसे शोषण होगा ये बहुत संभव ही नहीं है। अगर मैं समझ के रास्ते पर हूं और मैं कहीं पर मुझसे शोषण होता भी है तो उसकी पीड़ा मुझ में आती है, लेकिन जो शुष्क हो जाते हैं उसकी पीड़ा भी नहीं आती। तो शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया के अनुवर्ती क्रिया समान होती है। जो जब कमाते हैं तब गंवाते नहीं, जब गंवाते हैं तो कमाते नहीं, अर्थात इसको नीचे वाले में कहते हैं कि सदव्य ही कमाई का प्रयोजन है, अपव्य ही गंवाई है। तो जो सदव्य है कमाई, तो कमाई किस लिए, उत्पादन किस लिए, उपयोग के लिए। उपयोग का मतलब शरीर को जिंदा बनाए रखना, संबंधों का निर्वाह, यही मेरी आवश्यकता है। तो आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से उपयोग का पता चलता, उपयोग से उत्पादन का पता चलता, उत्पादन के लिए फिर हमारा जो कमाई है, जिसको हम उत्पादन को ही कमाई बोल रहे हैं। तो सदव्यय ही कमाई का प्रयोजन है, कि जो कुछ भी कमाई है उसका सदव्यय हो, सही के अर्थ में व्यय हो। अगर सही के अर्थ में व्यय नहीं होता है तो उसको ही अपव्यय बोलते हैं, उसको ही गंवाई बोलते हैं। तो कितना मैंने कमाया है, कितना मैंने उत्पादन से अर्जित किया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका व्यय हमने कहाँ किया है। अगर सदव्यय किया है तो वो व्यवस्था के अर्थ में जाता है, उससे हमको समृद्धि की
की का भाव भी आता है, उससे जो है एक समाधान का रास्ता है, उससे सभी के लिए पोषण का रास्ता है। अगर अपव्यय है तो वो शोषण का ही रास्ता है। इसलिए सदव्यय पूर्वक ही मानव न्यायपूर्ण आय को पाकर सफल तथा सुखी है, अन्यथा असफल एवं दुखी है। तन मन तथा धन का ही व्यय किया जाता है। जब यहाँ धन कह रहे हैं तो धन का मतलब साधन, जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है उसको धन कह रहे हैं। तो मानव तन का, मन का और जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है, साधन है, जो उसका उत्पादन से प्राप्त आय है या प्राकृतिक ऐश्वर्य है, उसको ही व्यय किया जाता है। अब हमारे पास च्वाइस है कि हम इसका सदव्यय करें या अपव्यय करें। तन का अपव्यय करने से तन परेशान होगा, मन का अपव्यय अर्थात अस्वस्थ होगा। एक व्यक्ति अगर अस्वस्थ होता है तो उसका पूरा परिवार, पूरा समाज, सरकार, सभी परेशान होते हैं। आज कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कि एक भी व्यक्ति बीमार हो रहा है, अगर कोरोना से संक्रमित हो रहा है, तो पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा सरकार, पूरी व्यवस्था, सब के सब उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, सब के सब पीड़ा में आ रहे हैं। एक व्यक्ति की व्यवस्था के लिए हजारों लोग उसके लिए लग रहे हैं। तो तन का अपव्यय करने से एक अव्यवस्था होती है, बीमार होते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। उससे केवल हम ही परेशान नहीं होते, हमारा पूरा का पूरा परिवार, हमारे मित्रगण, हमारे संबंधी सभी परेशान होते हैं, सभी को पीड़ा होती है। तो अपव्यय करेंगे या सदव्यय करेंगे, उसी तरह से मन का अर्थात मैं जो जीवन है, जो मेरा मन है, उसका अपव्यय करें, उसको कैसे विचार में लगाएं, अध्ययन में लगाएं या किसी भ्रम में लगाएं। तो भ्रम में लगाते हैं तो स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं, किसी न किसी षड्यंत्र में जाते हैं, किसी न किसी जो पीछे के बहुत सारे कर्म है, आतंक इत्यादि बहुत सारे कर्म में जाते हैं। अगर सदव्यय करते हैं तो फिर अध्ययन में लगाते हैं, समझ के लिए लगाते हैं, समाधान समृद्धि अवैध अस्तित्व के लिए लगाते हैं, खुद भी सुखी होते हैं, दूसरे के लिए सुख का स्रोत बन जाते हैं, व्यवहार में बढ़िया से जीते हैं, दूसरा भी हमारे साथ जीना चाहता है। और धन है, प्राकृतिक ऐश्वर्य है, उसका भी सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग का प्रमाण हम देख ही रहे हैं, बहुत सारा जो प्रकृति में जो विषमता आई है वो हमारे दुरुपयोग के कारण आई है। तो अपव्यय करना है या सदव्यय करना है, यह हमारी च्वाइस है, जैसा हमारा विवेक है। और विवेक विवेक कैसा है, जैसा हमारा ज्ञान है। ज्ञान के ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है, तो सदव्यय होता है। ज्ञान विवेक विज्ञान नहीं है तो अपव्यय होता है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक क्रम से अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, जिनका अध्ययन तथा अनुसरण करने का अवसर समस्त मानव को प्राप्त है। तो मानव जो है वो परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक, ये सब एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, जिसका अध्ययन तथा अनुसरण करने का अवसर समस्त मानव को प्राप्त ही है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र तथा लोक प्राप्त अवसर का अनुसरण क्रिया के आवश्यकीय नियमों के पालन द्वारा ही सफल हुए हैं, इसके विपरीत असफल हुए हैं। तो अवसर सबको प्राप्त है, अब अवसर प्राप्त है उसमें आवश्यकीय नियमों का पालन करेंगे तो ये सफल होगा, परिवार भी सफल होगा, समाज भी सफल होगा, राष्ट्र भी सफल होगा, समस्त लोक, पूरा ब्रह्मांड सफल होगा। जब राष्ट्र यहां कहा जा रहा है तो एक धरती को कहा जा रहा है। मानवीयता पूर्ण व्यवहार पक्ष का पूर्ण अध्ययन ही मानव कुल के लिए एक सूत्रता सहज सूत्र है, और किसका अध्ययन करेंगे अथवा जो किसी का आश्रित न हो। इसीलिए समस्त क्रिया मात्र अन्योन्याश्रित सिद्ध है। तो सभी क्रियाएं अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं, कोई किसी का आशय है, कोई किसी पर आश्रित है, ऐसा सिद्ध ही है। मात्र विचार ही सत्यपूर्ण होने पर स्वतंत्र है, अन्यथा वह भी आसक्ति ही है। स्वतंत्र विचार परस्पर पूरक और उपयोगी सिद्ध है। विचार ही स्वतंत्र होता है। विचार स्वतंत्र का मतलब क्या, उनसा विचार स्वतंत्र होता है, बोध पूर्वक जो विचार है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रित होते हैं, फिर हम परतंत्रित नहीं होते। ऐसा हम स्वतंत्रता चाहते ही हैं, तो हम जो विचारों की स्वतंत्रता चाहते हैं, वो विचारों की स्वतंत्रता भाव की स्थिरता से आती है। भाव को हम पहचानते हैं बोध में, भाव जो पहचानते हैं, जो हमें बोध होता है, साक्षात्कार बोध पूर्वक मेरे में जो भाव की स्थिरता आती है, उससे विचार हमारे निश्चित होते हैं। उस निश्चित विचार को ही यहाँ स्वतंत्र विचार और अति मानवीयता की बात की गई है। तो उसमें मानवीयता एक प्रमुख मुद्दा है, जो जिसमें कि मानव पद जिसको हम कहते हैं कि वहां पर समाधान संपन्न होना, अनुभव संपन्न होना, उस पद को पाना, क्रियापूर्ण होना, उसकी चर्चा इसमें की जा रही है, जिससे कि हमारी एक डिग्री प्राप्त हो, जिससे कि अगली डिग्री के लिए हम
प्रेरणा हमारे में बने, तो इसके लिए जैसे अस्तित्व में तीन ही पद है, मानव पद है। बात कर रहे थे जो अमानवीय प्रवृत्तियां हैं, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, और ये तो इसके विरुद्ध जो है वो पांच जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। तो द्वेष की परिभाषा इसमें है कि दूसरों के नाश में ही स्वसुख की कल्पना करना द्वेष है। संग्रह से लोभ, द्वेष से विरोध, अविद्या से अज्ञान, अभिमान से उद्दंडता और भय से आतंक का जन्म होता है, जो कि वैचारिक क्लेश है, एक तरह का वैचारिक क्लेश ही है। जो स्वयं क्लेशित रहेगा वह दूसरों को क्लेश पहुंचाएगा ही, क्योंकि नियम है जिसके पास जो होगा वह उसको बांटेगा। उपरोक्त पांच अपरिमार्जित प्रवृत्तियों के समाधान के रूप में पांच परिमार्जित मूल प्रवृत्तियां भी है, जिसको मानवीय मूल प्रवृत्तियां बोलते हैं। तो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता तथा अभय, इनको ही हम बौद्धिक नियम के रूप में भी देखते हैं। इन प्रवृत्तियों से उत्पन्न संपूर्ण संवेग और प्रवृत्ति क्रमशः उदारता, यानी असंग्रह से उदारता, स्नेह से निर्विरोध, विद्या से यथार्थ ज्ञान, सरलता से सहअस्तित्व और अभय से धैर्य उद्गमित होता है, जिससे हर्ष, प्रसन्नता, उत्साह, तृप्ति, उल्लास तथा आह्लाद की निरंतरता बनी रहती है, जिसकी अनवरत प्रतीक्षा में मानव है ही। मानव ऐसा ही चाहता, हर्ष चाहता है, प्रसन्न चाहता है, उत्साह चाहता है। तो ये मानवीय मूल प्रवृत्तियों से आएगा, ये बात जिस समय पता चल जाता है उस समय फिर मानवीय मूल प्रवृत्तियों को पहचान लेते हैं और फिर वैसा ही जीवन हमारा हमारा जो पूरा का पूरा जो जिंदगी है वैसा सेट हो जाती है। अनुभव बोध से इच्छा, इच्छा से विचार, विचार से आशा, आशा से संवेग, संवेग से क्रिया, क्रिया से अध्ययन तथा अध्ययन से बोध होता है। तो जो हमारे में इच्छा, विचार, आशा है, उससे मेरे में संवेग आता है, उस संवेग से हमारे में जो एक क्रिया है वो क्रिया, और क्रिया जो होती है उसके उसके कारण ही मेरे में अध्ययन चलता है, और अध्ययन जिसको हम प्रत्यावर्तन क्रिया कहते हैं, तो प्रत्यावर्तन क्रिया जो है उसको करते हुए बोध होता है। यह इच्छा तथा क्रिया की क्रम गति है, इच्छा से क्रिया, क्रिया से इच्छा, इच्छा से क्रिया, क्रिया से इच्छा, ये हमने पीछे भी पहचाना था, पीछे भी आया हुआ था कि इच्छा से क्रिया, क्रिया से इच्छा, वो यहाँ पर आकर के उस साइकिल को हम पकड़ते हैं। तो संग्रह मात्र धन का ही है, जो कि प्रतीक मूल है, हम केवल पैसे का प्रतीक मूल्य का ही संग्रह कर सकते हैं, वस्तुओं का संग्रह तो कर ही नहीं सकते। उत्पादित व संपादित भेद से वस्तुएं हैं, तो जो संपादन है प्राकृतिक वस्तुओं की उपलब्धि की संपादन संज्ञा, उपलब्ध है वो, यही संपादन है। अब हम क्या करते हैं, उस पे अब कोई श्रम लगाते हैं और उस पे किसी कला मूल्य का को हम लगाते हैं, तो अपने मनानुकार मनाकार के यानी इच्छानुरूप हम कुछ आकार प्रदान कर देते हैं, इसको उत्पादन बोलते हैं। जैसे लकड़ी है वो पड़ी हुई है, उसको हमने काटा और उसको उस पे भी हम बैठ सकते हैं, लेकिन हमने उसके पटरे निकाले, लकड़ी निकाली और कुर्सी बना लिया, अब वो ज्यादा उपयोग में आ गया, तो हम अपने इच्छा अनुरूप कोई रूप दे दिए तो उसको उत्पादन बोलते हैं। उसके पहले जो उपलब्ध है वो संपादन है, वस्तु का संग्रह नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग और परिणाम निश्चित है, रूपांतरण होता है, इसलिए उसका संग्रह नहीं कर सकते। मैं थोड़ा दो चार मिनट लूंगा, क्योंकि बीच में क्षमा करिएगा, थोड़ा बाधा आया था, इसे पूरा कर दूं, एक पेज है, जिससे कि आगे के सत्र में कोई व्यवधान ना आए। तो स्वश्रेष्ठता के मान्यता के आधार पर घृणा दुर्बलता की तुलना में हिंसा तथा दूसरों के विकास के प्रति ईर्ष्या है, जबकि स्वश्रेष्ठता के, अगर स्वश्रेष्ठता के मान्यता हमारे अंदर, मैंने मान लिया मैं स्वश्रेष्ठ हूँ, तो फिर क्या होगा, किसी से घृणा दुर्बलता के तुलना में हिंसा और दूसरों के विकास के प्रति मेरे में ईर्ष्या होती है, जबकि स्वश्रेष्ठता के अनुरूप असक्षम को समुचित सहयोग देना ही घृणा के स्थान पर उदारता है। उदारता क्या है कि जो असक्षम है उसको समुचित सहयोग दिया जाए। अपने को पर विकासानुरूप जागृति अनुरूप पाने का प्रयास स्पर्धा है, जैसा कि पीछे हमने इसकी परिभाषा को उपयोग किया था, तथा दुर्बल की रक्षा करना ही दया है। अर्थात दया क्या है, जीने दो और जियो ही दया है। ये जो सूत्र है जीने दो और जियो, वही दया है, अर्थात दुर्बल की रक्षा करना ही दया है। तो हमने पीछे का अध्याय में देखा था, बल जो है उसका सदुपयोग दया ही है। हिंसात्मक कार्य व्यक्ति, परिवार, समाज, वर्ग, जाति, मत, संप्रदाय, भाषा तथा राष्ट्र के स्तर भेद से है, जो द्वंद्व एवं प्रतिद्वंद के रूप में परिलक्षित होता है। तो जो हिंसात्मक कार्य है वो इन स्तरों पर ही हो सकता है, परिवार में, व्यक्ति में,
समाज में वर्ग, जाति, मत, संप्रदाय, भाषा और राष्ट्र स्तर के भेद से ही ये प्रवृत्ति जो हमारे अंदर हिंसात्मक है वो कार्य होता है, जिसका परिणाम जो है वो द्वंद्व प्रतिद्वंद के रूप में परिलक्षित होता है। हिंसा की प्रतिहिंसा होगी, जिसके साथ हिंसा होगा वो रुकेगा नहीं, वो प्रतिहिंसा करता है। द्वंद्व का प्रतिद्वंद होता है, अपराध का प्रतिकार होता है, यह असंभावी है। अतः द्वेष कामना किसी भी देश व काल में मानव के जागृति के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि द्वेष कामना से न अपना उपकार हुआ, मेरे अंदर भी वैचारिक विषमता आती है, न दूसरे का उपकार हुआ। तो द्वेष नहीं बल्कि स्नेह को ही, इसीलिए स्नेह को ही मूल प्रवृत्ति बोला, द्वेष को जो है अमानवीय प्रवृत्ति बोला। अविद्या अथवा ज्ञान, इसके पीछे चर्चा हुई थी, वही परिभाषा यहाँ दिया गया है कि अविद्या अथवा ज्ञान जैसा जिसका रूप गुण स्वभाव एवं धर्म है उसको उसी प्रकार समझने योग्य जागृति के अभाव की अविद्या या अज्ञान संज्ञा है। मतलब जो जैसा है उसको वैसा न देख के ज्यादा जानना, कम जानना या कुछ का कुछ जानना, यही अविद्या और अज्ञान है। अपने ही बल बुद्धि रूप धन को श्रेष्ठ मानना और बाकी को नेष्ट मानना, इसको अभिमान बोला, इसकी चर्चा पीछे हुई है। तो इकाई समष्टि में अंश के रूप में है, एक समष्टि है, समाज है, उसमें अंश के रूप में इकाई है। प्राण भय, पद भय, मान भय तथा धन भय, यह भय के चार प्रकार कारण भेद है। प्राण, पद, मान तथा धन यह स्थानांतरण तथा परिवर्तन से मुक्त नहीं है। ये प्राण का मतलब जिसको शरीर को जो हानि पहुंचाना, पद का किसी पद को पाना, जैसा रूप पद, वो रूप पद धन बल वाला पद है, मानव पद की बात यहाँ नहीं है। मान और धन यह स्थानांतरण परिवर्तन इनमें होता ही है, कम ज्यादा होता ही है। प्राण भय का मतलब शरीर के अस्तित्व के विपरीत में जो मृत्यु की कल्पना है वही प्राण भय है। पद भय एक से अधिक तक पाए जाने वाले अधिकार की पद संज्ञा है तथा इसके विरोध में पद भय है। तो एक से अधिक तक का जो अधिकार हमको मिल जाता है उसको पद बोलते हैं। जैसे अभी बहुत सारे पद हमको दिखते हैं, अधिकारी और मंत्री और ये सारे पद, तो एक से अधिक के ऊपर जो अधिकार करने का हमको एक अधिकार मिल जाता है वो पद है, और ये चले जाने का भय जो पद भय है। मान भय, तो हमने किसी चीज को यशस्वी मान लिया है और उसके हट जाने का, उसके विरोध में जो कुछ भी है वो मान भय है। धन भय, तो धन के विरोध की संभावना अथवा स्थिति को धन भय संज्ञा कहते हैं, कि धन का चला जाना, चला जाएगा इसलिए हम संग्रह करते हैं, कम पड़ जाएगा, इसी को धन भय बोलते हैं। उपरोक्त वर्णित चारों उपलब्धियां अर्थात प्राण, पद, मान और धन सामयिक हैं, जिन्हें स्थायी समझ लेना ही संकट का कारण है, क्योंकि प्राण का हरण होता है, पद का पतन या वियोग होता है, या एक उम्र के बाद पद रहता ही नहीं है। मान का भंग और धन का व्यय यह नियत क्रम सिद्धियां हैं। अतः इसके भय में होना ही अज्ञानता है, इसके भय में न होना ही ज्ञान है। अतः मानव के लिए परम लाभ मानवीयता का उपार्जन ही है, जिससे मानव सुखी होता है, ऐसा वो चाहता ही है, मानव पद में जाना चाहता है, अनुभव संपन्न होना चाहता है, जागृति ही शरण है, ऐसा इन दोनों चैप्टर में जो हमने लक्षण, लोक, आलोक और लक्ष्य को पहचाना कि जागृति ही लक्ष्य है, मानवीयता अगले चैप्टर में देखा कि मानव पद में जाना ही मेरा पहला लक्ष्य है, मानवीयता को पाना ही पहला लक्ष्य है, निरंतर सुख की स्थिति में आना, समाधान संपन्न होना, अनुभव संपन्न होना, ये हमारा लक्ष्य है। आप सबने सहयोग दिया।